मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल फाइन एट योर होम. माई सेल्फ पूनम शर्मा, द टीचर फ्रॉम रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल, आई वेलकम यू ऑल टू अवर ई लर्निंग क्लासेस. स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू लेसन 6, एवरी वन इज़ अ विनर इन इंग्लिश. स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आई हैव एक्सप्लेन यू द लेसन. वी हैव डन द रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन पार्ट, एंड along with that I have sent you the PDF regarding hard words and word meanings. Today we are going to do fill in the blanks and the textual exercise of this lesson. So first we will start with the fill in the blanks. First is, Rohan and a few students were lagging behind. Okay, in this blank is lagging, LAGGING, lagging. Second is, the school was raising money for a teacher who had lost his house in a hurricane. Hurricane means tufan. Okay. Third number, they crossed the finish line as a group. Okay. Fourth number, everyone is a winner. Fifth, Rohan leaned closer. Sixth, arms up over your heads and take long slow breaths. This fill in the blanks you have to write one time in your notebook. Okay students, ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको एक बार आपके नोटबुक में लिखने हैं, एंड इन अ वेरी गुड हैंड राइटिंग. नाउ स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम दिस, नाउ वी आर गोइंग टू डू द टेक्सचुअल एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन ऑन पेज नंबर 48. नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट नंबर, वाई वेयर जमाल एंड हिज फ्रेंड रनिंग इन अ रेस? जमाल और उसके सब फ्रेंड्स रनिंग रेस में क्यों पार्टिसिपेट कर रहे थे? फोर ऑप्शंस आर गिवन, वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट, दे वेर कम्पीटिंग अगेंस्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम अनदर स्कूल. बी ऑप्शन, दे वेर प्रैक्टिसिंग टू रन अ मैराथन. थर्ड, दे वेर रनिंग टू रेज मनी फॉर समवन इन नीड. थर्ड, दे न्यू देर वॉज अ कैश प्राइज फॉर द फास्टेस्ट रनर इन एज ग्रुप. सो द आंसर इज सी ऑप्शन, they were running to raise money for someone in need. Jamal and his friends, they were running in a race. They took part in a racing competition, running race competition. Why? Because they were raising the money for the teacher, Mr. Sharma, who has lost his home in a hurricane. Who is Mr. Sharma? Mr. Sharma was a teacher at Jamal's school, a professional athlete, Rohan's father, Jamal's track coach. So Rohan's answer is a teacher at Jamal's school. Mr. Sharma kaun the? Ek teacher the Jamal's ke school mein. Okay, why did Mr. Sharma thank Jamal? Mr. Sharma ne Jamal ko kyun thanks bola? Mr. Sharma thanked Jamal for getting his so many classmates to run race for a good cause. क्योंकि जमाल ने अपने क्लास के बहुत सारे जो फ्रेंड्स थे उनको एनकरेज किया था, क्लासमेट्स को, कि आपको ये रेस में पार्टिसिपेट करना है. क्योंकि ये रेस में जो भी पैसे जमा होने वाले थे वो उनको एज अ हेल्प किसको करना था? मिस्टर शर्मा को. क्यों? क्योंकि उनका घर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था, इसीलिए. बिफोर द रेस रोहन सेड टू जमाल, आई विल ट्राई टू कीप यू इन साइट बट यू आर अ लॉट फास्टर देन आई एम. वॉट डिड रोहन मीन बाय दिस? ओके, जब रेस चालू होने वाली थी तो रोहन ने क्या बोला जमाल को? क्या आई विल ट्राई टू कीप यू इन साइट बट यू आर अ लॉट फास्टर देन एम आई. तो ये जो सेंटेंस उसने बोला इसका मतलब क्या था? ए ऑप्शन, ही थिंक्स ही विल बी एबल टू बीट जमाल इन द रेस. बी, ही विल ट्राई टू कीप अप विद जमाल. सी, ही डज नॉट वॉन्ट टू रेस. डी, ही थिंक्स जमाल वोंट ट्राई वेरी हार्ड.
तो इसका आंसर क्या है? ही थिंक्स ही विल बी एबल टू बीट जमाल इन द रेस। वो क्या चाहता था रोहन? वो जमाल को रेसिंग में हराना चाहता था, बट उसको सेम टाइम ये भी पता था कि जमाल उससे बहुत ही फास्ट रनर है, उसको हराना बहुत ही मुश्किल है। ओके, वॉट नोबल एक्शन डिड जमाल डू फॉर हिज फ्रेंड रोहन ड्यूरिंग द रेस। ड्यूरिंग रेस जमाल रैन बैक टू हिज फ्रेंड रोहन एंड गाइडेड हिम लाइक अ कोच टू फिनिश हिज रेस। जब रोहन और उसके फ्रेंड सब भाग रहे थे, जमाल रोहन जैसे ही बजर ऑन हुआ रेस का तो सभी भागने लगे, और भागते भागते क्या हुआ, जब जमाल ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने क्या देखा कि रोहन और उसके बहुत सारे फ्रेंड्स बहुत पीछे थे। ओके, तो उसने क्या किया, वापस वो पीछे मुड़कर भागा और उसने रोहन को और उनके फ्रेंड्स को बताया कि किस तरह उनको आर्म्स ऊपर करके स्लो ब्रीथ करके आराम से रिलैक्स होके फिर उनको भागना है। जैसे कोच गाइड करता है वैसे ही सेम उसने अपने फ्रेंड्स को गाइड किया, इवन रोहन को भी गाइड किया। ओके, सो दिस ऑल थिंग्स फॉर द डे। दिस क्वेश्चन आंसर्स यू हैव टू राइट इन द टेक्स्ट बुक इट्सेल्फ। ओके, नाउ दिस इज ऑल फॉर द डे। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड द लेसन। एवरीवन इज अ विनर। Myself, Poonam Sharma, signing off from Radiant International School. Meet you all next week with a new video. Till then, goodbye and stay safe at your home.